हमें वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट के बारे में पहले से कुछ जानकारी है। उदाहरण के लिए, अगर मैं आपको कहूं कि 7 की घात 2 49 के बराबर होता है, तो मैं इसे इस प्रकार भी कह सकता हूं कि 49 का वर्गमूल 7 के बराबर होता है। वर्गमूल अनिवार्य रूप से किसी भी संख्या का वर्ग लेने का तरीका बताता है। हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, पहले हम 49 का वर्गमूल लिख सकते हैं और फिर जो भी संख्या प्राप्त होगी। अगर मैं उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करूं या फिर मैं उस संख्या की घात 2 लूं, तो मुझे उत्तर में 49 ही प्राप्त होगा। और ये केवल 49 के लिए नहीं बल्कि किसी भी संख्या के लिए मान्य है। अगर मैं x का वर्गमूल लिखूं और फिर उसकी घात 2 लिखूं, तो वो x के बराबर होगा। और ये बात हर उस संख्या के लिए मान्य होगी जिसके वर्गमूल का मूल्यांकन किया जा सके या जिसका मुख्य मूल निकाला जा सके। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि गणित में बदलाव आ रहा है। लेकिन मुख्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें किसी x का वर्गमूल निकालना है, तो x ऋणेतर यानी कि नॉन नेगेटिव होना चाहिए। इन संकल्पनाओं में भी बदलाव आ जाएगा जब हम काल्पनिक संख्याओं अथवा सम्मिश्र संख्याओं के बारे में सोचना आरंभ करेंगे। लेकिन अगर हम मुख्य वर्गमूल यानी कि प्रिंसिपल स्क्वायर रूट की बात करें, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो भी करणी चिन्ह के अंदर लिखा होगा, यानी कि जो भी संख्या यहां होगी, वह ऋणेतर ही होगी। क्योंकि जिन संख्याओं के बारे में हम जानते हैं, अगर हम उनमें से किसी भी संख्या की घात 2 लें, तो उससे ऋणात्मक संख्या मिलनी बहुत कठिन है। तो इसे परिभाषित करने के लिए हम मुख्य रूप से ये कह सकते हैं कि हमें यहां एक ऋणेतर संख्या चाहिए होगी। लेकिन इस वीडियो में हम केवल वर्गमूल के बारे में बात नहीं करेंगे। इस वीडियो का मुख्य केंद्र घनमूल यानी कि क्यूब रूट है। और अगर आप सोचें कि किसी भी संख्या का वर्ग या वर्गमूल निकालने का संपूर्ण विचार आखिर आया कहां से, तो ये विचार एक वर्ग के क्षेत्रफल से आया है। अगर मेरे पास एक वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई 7 के बराबर है, तो क्योंकि ये एक वर्ग है, तो इसकी सभी भुजाएं 7 के बराबर होंगी। और अगर मुझे इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो वह 7 × 7 या 7 की घात के बराबर होगा। तो इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। या फिर अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक वर्ग है, मैं इसे फिर से बना लेता हूं। तो अगर मेरे पास एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल x के बराबर है, तो इसकी भुजाओं की लंबाई कितनी होगी? ये x के वर्गमूल के बराबर होगी, यानी कि सभी भुजाओं की लंबाई x के वर्गमूल के बराबर होगी। ये भुजा भी x के वर्गमूल के बराबर होगी और ये भुजा भी x के वर्गमूल के बराबर होगी। तो यहां से वर्गमूल पद की उत्पत्ति होती है। तो चलिए अब घनमूल यानी कि क्यूब रूट के बारे में सोचते हैं। अगर मेरे पास एक घन यानी कि एक क्यूब है, मैं जल्दी से यहां एक घन बना लेता हूं। तो मेरे पास ये एक घन है जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई एक समान है। उदाहरण के तौर पर हम इसे 2 × 2 × 2 का घन ले लेते हैं। तो अब हमें ये बताना है कि इस घन का आयतन यानी कि वॉल्यूम कितना होगा। इसका आयतन 2 × 2 × 2 के बराबर होगा, जिसे हम 2 की घात 3 के बराबर भी लिख सकते हैं। क्योंकि इस घन का आयतन 2 की घात 3 के बराबर है, इसलिए हमने यहां पर घन शब्द का प्रयोग किया है। इस घन की हर भुजा 2 के बराबर है, तो इसका आयतन 8 के बराबर होगा। लेकिन तब क्या होगा जब हम दूसरी दिशा में चलें? यानी कि अगर हम एक घन लेके चलें जिसका आयतन हमें पता हो। उदाहरण के लिए हम इस घन का आयतन 8 के बराबर ले लेते हैं और अब हम इस घन की हर भुजा की लंबाई निकालना चाहते हैं। तो अब हमें x का मूल्यांकन करना है और क्योंकि ये एक घन है, तो ये भुजा भी x के बराबर है, ये भुजा भी x के बराबर है और ये भुजा भी x के बराबर है। तो हम दो तरीकों से इसे व्यक्त कर सकते हैं। पहला तरीका है कि हम x × x × x को या x³ को 8 के बराबर ले सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि हम घनमूल चिन्ह का प्रयोग करें, जो एक करणी चिन्ह है। ये चिन्ह बिल्कुल वर्गमूल जैसा ही है, जैसे कि ये वर्गमूल 8 के बराबर है। लेकिन ये स्पष्ट करने के लिए कि हम यहां 8 के घनमूल के बारे में बात कर रहे हैं, इसके लिए
हम यहाँ एक छोटा सा 3 लिख देते हैं। अगर आप चाहें तो आप वर्गमूल के चिन्ह में भी एक छोटा सा 2 लगा सकते हैं, लेकिन वो अनावश्यक होगा, क्योंकि अगर इस चिन्ह में यहाँ कोई भी संख्या नहीं लिखी जाती तो ये वर्गमूल का चिन्ह ही माना जाता है। लेकिन अगर आप किसी भी संख्या का घनमूल या उस संख्या के तीसरे मूल का मूल्यांकन कर रहे हों तो उसके लिए आपको इस करणी चिन्ह में ये छोटा सा 3 यहाँ लगाना होगा। तो चलिए इसके उदाहरण करके देखते हैं। मान लीजिए मुझे 27 का घनमूल निकालना है, ये किसके बराबर होगा? चलिए हम इसके घनमूल को x के बराबर मान लेते हैं। तो समतुल्य रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि 27 x की घात 3 के बराबर होगा। हमें बताना है कि x किसके बराबर होगा। x गुणा x गुणा x 27 के बराबर है। हम यहाँ संख्या 3 को लेके देख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि x 3 के बराबर है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या हम ऋणात्मक 64 का घनमूल ले सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हम वर्गमूल की बात करें तो ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल का आकलन तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें काल्पनिक संख्याओं का ज्ञान ना हो। फिलहाल हम उन संख्याओं के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन क्या हम ऋणात्मक संख्याओं का घनमूल निकाल सकते हैं? अगर मैं किसी संख्या का घन यानी कि क्यूब लूं तो क्या मुझे ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो सकती है? ऐसा हो सकता है, बिल्कुल। तो अगर मैं कहूं कि ऋणात्मक 64 का घनमूल x के बराबर है, तो मैं इसे यहां इस प्रकार कह सकता हूं कि ऋणात्मक 64 x की घात 3 के बराबर है। तो x किसके बराबर होगा? अगर हम ऋणात्मक 4 गुणा ऋणात्मक 4 गुणा ऋणात्मक 4 करें तो हमें क्या मिलेगा? ऋणात्मक 4 गुणा ऋणात्मक 4 धनात्मक 16 के बराबर होता है, और धनात्मक 16 गुणा ऋणात्मक 4 ऋणात्मक 64 के बराबर होता है। तो यहाँ x किसके बराबर होगा? x ऋणात्मक 4 के बराबर होगा। तो अब तक के गणित के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हम एक ऋणात्मक संख्या का घनमूल ले सकते हैं। इसी प्रकार हम कोई भी मूल निकाल सकते हैं। हम चौथा मूल या पांचवा मूल या छठा मूल या सातवां मूल या अन्य कोई भी मूल निकाल सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे जैसे जैसे आपका गणितीय स्तर बढ़ता जाएगा। लेकिन ज्यादातर आपको सभी जगह पर वर्गमूल या घनमूल देखने को मिलेगा। अब आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ आपको पता था कि 3 घात 3 27 के बराबर होता है, तो आपने 27 का घनमूल निकाला और आपको x का मूल मिल गया। क्या घनमूल को निकालने का और कोई आसान तरीका है? चलिए अगर मैं आपको कोई भी संख्या दूं, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको 125 का घनमूल निकालने को कहूं, तो इसे निकालने का सबसे सरल तरीका है कि हम इस संख्या को गुणन खंडित करें, और मुख्य रूप से अगर इसका अभाज्य गुणन खंडन किया जाए तो आप इसे सरलता से हल कर पाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि 125 5 गुणा 25 के बराबर होता है, और 25 5 गुणा 5 के बराबर होता है। तो ये उसी प्रकार है कि अगर मैं 5 के घनमूल की घात 3 लूं तो वो 5 के बराबर ही होगा। अगर आपके पास कोई बड़ी संख्या है तो उसका घनमूल या चौथा मूल या पांचवा मूल निकालने का कोई सरल तरीका नहीं है। यहां तक कि बड़ी संख्याओं का वर्गमूल निकालना भी बहुत मुश्किल हो सकता है। जिस आसानी से आप संख्याओं का गुणा अथवा विभाजन करते हैं, उस तरह मूल निकालने का कोई आसान तरीका नहीं है।